देखो बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश क्लास में कुछ सेंटेंस लेके आए हैं। जैसे लिखा है, हाथ लगाकर तो दिखाओ, हाथ लगाकर तो दिखाओ। अगर हम कहें किताब पढ़कर तो दिखाओ, किताब पढ़कर, नाच कर तो दिखाओ, दौड़ कर तो दिखाओ, तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर आपको ये लिखना है शो मी, एस एच ओ डब्ल्यू और एम ई, क्या लिखा ये? शो मी मतलब दिखाओ। शो मी का मतलब क्या होता है? दिखाओ। इसका मतलब होता है दिखाओ, मुझे दिखाओ। मी का मतलब मुझे, शो मतलब दिखाओ, मुझे दिखाओ। यह लिखा नहीं है, तो शो मी का मतलब है मुझे दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे हाथ लगाकर तो कैसे बनाएंगे, बोलो, कौन बताएगा? ऐसे बनाएंगे से शो मी टू टच, शो मी टू टच। इसका ये बनेगा हाथ लगाकर तो दिखाओ, टच माने हाथ लगाना, छूना। अगला है पढ़कर तो दिखाओ, शो मी टू रीड। इसका आएगा शो मी टू रीड, टू रीड। अगर हम कहें किताब पढ़कर दिखाओ, किताब पढ़कर तो दिखाओ, तो यहाँ पर बुक और लग जाती है, क्या लग जाती है? शो मी टू रीड बुक। समझ में आ गया? अच्छा, आगे अब यहाँ लिखा है नाच कर तो दिखाओ, तो आ जाएगा शो मी टू डांस। खाली इतना ही जोड़ना है तुम्हें, टू। समझ में आ गया? दौड़ कर तो दिखाओ, तो ये बनाएंगे शो मी टू रन, आर यू। समझ में आ गया? अगला तैर कर तो दिखाओ, शो मी टू स्विम, स्विमिंग, स्विम, स्विमिंग नहीं, हाँ। अगला मार कर तो दिखाओ, शो मी टू बीट, टू बीट, बीट वाली मारना। अगला हंस कर तो दिखाओ, तो आएगा शो मी टू स्माइल, सॉरी लाफ। अगर मुस्कुराना आता तब आता। अगला नहा कर तो दिखाओ, शो मी टू बाथ। बोल कर तो दिखाओ, तो बनेगा शो मी स्पीक। बोल कर तो दिखाओ। अगला है क्रिकेट खेल कर तो दिखाओ, तो आएगा शो मी टू प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, टू प्ले। समझ में आ गया सबके? तो पहला था हमने हाथ लगा करके दिखाओ, शो मी टू टच, शो मी टू टच, शो मी टू रीड पढ़कर दिखाओ, शो मी टू डांस नाच कर दिखाओ, शो मी टू रन दौड़ कर दिखाओ, शो मी टू स्विम तैर कर दिखाओ, शो मी टू बीट मुझ मार कर दिखाओ, शो मी टू लाफ हंस कर दिखाओ, शो मी टू लाफ बात नहा कर दिखाओ, शो मी टू स्पीक बोल कर दिखाओ, शो मी टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेल कर दिखाओ। सबके समझ में आ गया ये सेंटेंस? थैंक यू वेरी मच।